तो जिंदगी तो खत्म हो जाती है सियासत में आकर जी। आप यकीन करें कि मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी लंच घर पे किया हो पिछले 35 साल में। अच्छा, यानी मैंने लंच छोड़ ही दिया, यानी सुबह जाते हैं और रात को वापस आते हैं। अच्छा, और डिनर भी अगर 30 दिन महीने में है तो अगर 3-4 दिन घर पे हो जाए तो बड़ी बात होती है। तो सियासत में बहुत फैमिली लाइफ बहुत सफर करती है। जैसे ईद है, ईद मेरी सारी गांव में गुजरती है, मैं हमेशा गांव जाता हूं। अच्छा, शायद मेरे जिंदगी में 1-2 दफा हुआ कि मैं शायद मुल्क से बाहर था तो नहीं जा सका, नहीं जा सके, तो हमेशा गांव जाता हूं। वहां पर सबसे मुलाकात हो जाती है दोनों ईदों पर। दो दिन रहते हैं गांव में? जी, दो कभी 3 दिन, कभी उस दिन सुबह जाता हूँ रात को आ जाता हूँ। वो पहाड़ी इलाकों में पहाड़ी बोलना 2 दिन मुश्किल होगा? नहीं, पहाड़ी बड़ी बड़ी खूबसूरत जबान है, मुश्किल नहीं है। लेकिन हमारा एक रिवाज है वहाँ पर कि जो लोग पिछली ईद और इस ईद के दरमियान फौत हुए होते हैं, आप करीबी जो आपके अजीज हैं या उनके पास ताल्लुक जिससे हो, उनके घर आप जाते हैं ईद वाले दिन। अच्छा, तो वो जब ईद की नमाज के तो हम निकलते हैं वहाँ गले मिलकर वगैरह, फिर अपने जो आपके रिश्तेदार फौत हो चुके होते हैं कब्रिस्तान में वहाँ दुआ करते हैं, और फिर एक पूरा सबके घर जाना पड़ता है। तो आमतौर पर 15-20 घर होते हैं और हर जगह रुक कर कुछ खाना भी पड़ता है और इलाका बड़ा मुश्किल है, तो वो चलते चलते आपको शाम हो जाती है, शाम को वापस घर पहुँचते हैं, तो उसके बाद फिर कुछ उधर घर आबाई जो आपका घर है उधर ही रहते हैं फिर आप? जी, अपने घर में जी। अच्छा, ये मेरा दादा ने बनाया था कोई तकरीबन 80 साल पहले, उसको मेरी वालदा ने को ठीक में रखा किया, बाकी अबाई साहब।